रोड एक्सीडेंट में डॉग्स की स्पाइन टूट जाती है और वो रेंगते रेंगते जी रहा है 20 दिन 25 दिन, और यदि वो किसी के घर के सामने छाव में आके बैठ गया तो उसको वापस से डंडा मार के भगा रहे। कोई कुत्ते से डरता नहीं है तो वो उसे बैग में बोरे में भर के ऐसी जगह में फेंक के आ जाएगा जहाँ पे उसका बचना और ही मुश्किल है। इनका कोई कसूर है नहीं, सिंपल सा हमारा काम है। स्ट्रीट एनिमल्स को हमें कोई रिपोर्ट जब करता है हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं, शेल्टर में उन्हें प्रॉपर केयर, फूड और मेडिसिन देते हैं, और जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उन्हीं एरियाज में रिलीज करते हैं जहाँ पे फीडर्स उनकी आगे की देखभाल करते हैं। और जो एनिमल्स कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते उनको शेल्टर में हमेशा के लिए अडॉप्ट करके रखते हैं। अभी हमारे शेल्टर में 150 प्लस डॉग्स हैं, जिसमें पैरालिसिस सबसे ज़्यादा है, ब्लाइंड है परमानेंट, और हर दिन 10 से 12 जो रेस्क्यू करते हैं वो एनिमल्स एडअप होते जाते हैं। मेजरली हम लोग होम कुक्ड फूड ही खिलाते हैं। हमारे शेल्टर में हर दिन 50 से 55 किलो का राइस कुक होता है। जो फंड्स हम कभी ट्रीटमेंट के लिए बचा के रखते हैं या कंस्ट्रक्शन के लिए बचा के रखते हैं उन्हें हमें फूड पे स्पेंड करना पड़ जाता है। इन 8 साल में 7200 एनिमल्स के आसपास हमने रेस्क्यू कर लिया है। हमारा जो शेल्टर है शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर में है। एक एनिमल को बचाने के लिए हमें मेडिकल यूनिट पूरा रायपुर का यूज़ करना पड़ता है। इतने दूर से काम नहीं कर सकते, हमें ज़रूरत है एक खुद के अस्पताल की। इस कैंपेन के माध्यम से मेडिसिन, खाने का सामान और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेट करें। बेजुबानों को नुकसान पहुंचाने वाले और मारने वाले तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना आप और हम इनको बचाने वाले बनें।